हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज हमारे पास में दो सिल्वर कलर की गाड़ियां। और गाइस आज हम एक ऐसी चीज करने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत ही क्रेजी है, शायद आप लोगों ने भी नहीं सोची होगी ना ही कभी देखी होगी, ऐसा तो मैं गाइस दावे के साथ कह सकता हूं। तो गाइस क्या करने वाले हैं आज भाई साहब? आज हमारी ये जो गाड़ी है ये बनने वाली है दो मंजिला। कुल मिलाकर के आज हम इस गाड़ी के ऊपर ये वाली जो गाड़ी है इसको ऐसे कैसे रख करके चलाने वाले हैं, और फिर देखते हैं गाइस कि क्या जो गाड़ियां हैं दोनों वो चल पाएंगी। कुल मिलाकर के क्या ये दो मंजिला जो गाड़ी बन जाएगी वो चल पाएगी? अगर चल पाएगी तो वो कैसी दिखेगी? और सबसे जरूरी बात तो ये है कि क्या ये दो मंजिला बन भी पाएगी, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर गाइस बहुत सारा वेट होता है। इस गाड़ी की बात करें तो लगभग 850 किलो के आसपास इसके अंदर वजन होना चाहिए। अब आप लोग सोचो एक गाड़ी के ऊपर 850 किलो वजन रखा अगर जाएगा तो क्या होगा? आई डोंट नो। और कैसे चलेगी वो भी मुझे नहीं पता, ऊपर बैठकर कैसा फील आएगा वो भी नहीं पता। तो भाई फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, क्योंकि गाइस ये जो कुछ भी करते हैं वो आपको कुछ नया दिखाने के लिए करते रहते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर एक बहुत ही डिफरेंट चीज हमको देखने को मिली। हम तो वीडियो शुरू करने वाले थे, यहां देखो भाई साहब गाड़ी की लाइट के अंदर एक छिपकली, छिपकली भी नहीं है गाइस, ये जो है गिरगिट है, ये इसकी हेडलाइट के अंदर घुस गया है। ये जिंदा है, इसके अंदर चल भी रहा है, देखना, देखो ये जो है मूवमेंट भी कर रहा है। और भाई सबसे बढ़िया बात यह कि ये जिंदा है, लेकिन ये इसमें घुसा कैसे आई डोंट नो। तो सबसे पहले तो इसको निकालते, इसकी जान बचाते हैं, उसके बाद में जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। भाई साहब लाइट हमने निकाल दी है, अब इसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। और अरे यार ये तो डर रहा है गाइस। हाँ भाई छिपकली की पूंछ पकड़ी जाए या नहीं पकड़ी जाए? आ गया। चलो ये रहा गाइस, देखो ये बाहर आ चुका है। चलो ऊपर चलो बाबू, ऊपर, अंदर मत चले जाना भाई। बस बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उधर हाँ, चलो बढ़िया। चलो तो गाइस, हाँ गया। चलो गाइस निकाल दिया आखिरकार हमने इस जानवर को। और यहाँ पर गाइज सेफ्टी का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर गाड़ी के अंदर भी बैठना है और ऊपर जो है दूसरी गाड़ी रहेगी, तब ये जो गाड़ी अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए, चलनी चाहिए प्रॉपरली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमने इस गाड़ी का प्री इंस्पेक्शन भी करवा लिया ताकि सेफ्टी रहे। कहां से? यहां से गो मैकेनिक से। गाइज जिनको नहीं पता गो मैकेनिक क्या है, तो गो मैकेनिक एक ऐप एंड वेबसाइट बेस्ड कार सर्विस प्लेटफॉर्म है जहां पर आप गाड़ी की A to Z सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो गो मैकेनिक पर आप कौन कौन सी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं मैं बता देता हूं। मैकेनिकल रिपेयर्स, पीरियोडिक सर्विसिंग, डेंटिंग एंड पेंटिंग, व्हील केयर एंड डिटेलिंग, कार एसी सर्विसेज, टायर एंड बैटरी रिप्लेसमेंट, इंश्योरेंस रिपेयर, और यहां पर आपको मिलेगी 1000 किलोमीटर या फिर 1 मंथ की अनकंडीशनल वारंटी भी। और गाइज यहां पर आप अपनी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स पर 40% तक सेव कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको मिलेंगे 100% जेन्युइन OEM एंड OES स्पेयर पार्ट्स, यानी कि नो मिडिलमैन, बीच में कोई नहीं है, सीधा जो पार्ट है वो आपको मिलेगा और आपको कोई कमीशन किसी को नहीं देना है, सस्ता मिलेगा। गाइज यहां पर आपको फ्री डोरस्टेप पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस भी मिलेगी। और भाई अभी कोविड चल रहा है तो उसके लिए आपकी गाड़ी का फ्री सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप सर्विस ले सकते हैं। तो सिंपली आपको अपनी गाड़ी सेलेक्ट करनी है, अपना सूटेबल टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है और अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी है। तो गाइस व्हाई पैनिक जब जेब में है गो मैकेनिक। द नेक्स्ट डे, तो गाइस आज अगला दिन है, कल अंधेरा हो गया था और यहाँ पर जो है क्रेन भी आ गई है फिर से, और जो क्रेन है वो हमारी इस गाड़ी के ऊपर उस गाड़ी को उठा करके रखने वाली है। तो भाई यहाँ पर गाड़ी की खिड़कियों में हमने ये पट्टा डाल दिया है और अब देखते हैं कि क्रेन इसको किस तरीके से उठा पाएगी क्या। तो गाइस अब जो है वैगनार उठने वाली है। ओ वाओ क्या बात है, बढ़िया है। चलो तो गाइस यहाँ पर जो गाड़ी है वो हवा में आ चुकी है और क्रेन से लटक रही है, तो इससे जो है थोड़ा दूर रहना ही सही है भाई फिलहाल। और गाइस सोचो कि क्रेन जो है
उसके लिए कितना आसान होता है यार इतना वजन उठाना। मुंह इधर रखना है आगे। और गाइस ये जो है पूरा एक स्किल का काम है भैया के लिए भी। ओए गिर ना जाए, ध्यान रखना भाई। हाँ आओ नीचे आओ, ठीक आओ। ओ लूज करो। अरे 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 ओ गाइस रुको 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 रुको। ओए ये आ जाएगी इस पे भाई साहब गाड़ी के। अरे ये टूटेगा यार, यार शीशा टूट जाएगा। नहीं नहीं पीछे जगह कहाँ है भाई, हैंड ब्रेक और गियर दोनों लगाओ यार। भाई बिना हैंड ब्रेक बिना गियर के यहाँ पर जो है गाड़ी को रख दिया। तो गाइस अब जो है हमने गाड़ी को रख दिया है दूसरी गाड़ी के ऊपर और बहुत अजीब सा नहीं लग रहा गाइस ये फिलहाल, देखो एक बार अब ये क्या लग रहा है भाई। चलो अब इसको जो है मजबूती से बांधना पड़ेगा ताकि ये गाड़ी के ऊपर रहे और फिर करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। तो गाइस फाइनली हमने गाड़ी को रख दिया है और बांध भी दिया है इन बेल्ट्स की मदद से, और ये बेल्ट जो है ना पत्थर की तरह एकदम हार्ड हो चुके हैं फिलहाल। तो गाइस हमने रख दी है एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी। और भाई साहब ये जो है एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। प्लीज़ इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से ट्राई मत करना, क्योंकि गाइस ये जो गाड़ी है ये नीचे वाली को डैमेज भी कर सकती है, इसको तोड़ भी सकती है, और अगर प्रॉपरली ना किया जाए तो गिर भी सकती है, किसी और के ऊपर गिर सकती है। भाई बहुत रिस्की चीज़ है, आप लोग प्लीज़ ट्राई मत करना। हमने पूरा ध्यान रखने के बाद में हर चीज़ सोच करके समझ करके तब इसको तैयार किया है। तो एक बार आपको इस साइड से भी दिखा देते हैं, देखो एक बार गाइस सामने से जो है ये कैसा लग रहा है। मतलब जो चीज़ हम चाह रहे थे ना, नॉर्मल जो गाड़ी 6-7 फीट ऊँची होती है, अब ये जो है लगभग 11-12 फीट हाइट की हो गई है। एक और मज़ेदार बात भी यहाँ पर ये है गाइस कि हमने जानबूझकर कि ये वाली जो गाड़ी है जो टाटा सुमो है वो ली है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है किसी दूसरी गाड़ी के लिए जो कि आजकल आती है उनके लिए पॉसिबल है एक दूसरी गाड़ी का वेट अपने ऊपर ऐसे कैसे रखना, ठीक है। क्योंकि इसके जो ABC पिलर्स ये होते हैं डी पिलर तक, इनके अंदर बहुत जान होती है, इनके अंदर लोहा जो है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी मजबूत होती है। इनफैक्ट इसमें यहाँ पर भी जो है ना पाइप्स हैं ऊपर, तो इसी वजह से ये जो गाड़ी है ये झेल पा रही है। अगर आप इसको एक नॉर्मल जैसे हमारे पास i20 की छत पर अगर रख देंगे ना गाड़ी को तो वो वैसे पिचक जाएगी रखते टाइम इतने वजन की वजह से, क्योंकि उस पर एक बंदा खड़ा होता है तो ही वो पिचक जाती है। ये तो 800-900 किलो है भाई, लेकिन गाड़ी आप देख सकते हो कि फिलहाल बढ़िया से झेल रही है। तो अब बारी है इसको स्टार्ट करके देखने की और चला करके देखने की। उतारना पड़ेगा भाई चढ़ के। अरे पट्टा भी निकालना भी। तो भाई साहब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और हेलमेट यहाँ पर लगा रहा हूँ जस्ट सेफ्टी के लिए कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कुछ प्रोटेक्शन मिल सके। और गाइस इतना जो कुछ करते हैं इतना जो रिस्क लेते हैं वो आपको कुछ नया दिखाने के लिए करते हैं। तो आप लोग भी वीडियो के लिए लाइक तो कर ही देना भाई, बस वही चाहिए हमें तो। बाकी ऊपर गाड़ी रखी है, जस्ट नीचे मैं बैठूँगा, लेकिन गाइस डर तो मुझे लग ही रहा है थोड़ा थोड़ा। तो भाई साहब जो गाड़ी है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, चलें। चालू है कैमरा। तो गाइस फिलहाल गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और मेरे ऊपर एक और गाड़ी रखी हुई है और मैं शांत इसलिए बैठा हूँ कि मुझे लग रहा है डर इसके अंदर, क्योंकि ऊपर मेरे गाड़ी है दूसरी जिसका वजन इस छत के ऊपर आ रखा है फिलहाल। चलो भाई जय श्री राम बोल करके, और ठीक है सब बढ़िया है ऊपर। तो भाई साहब गाड़ी को झटके बिल्कुल नहीं देंगे, धीरे धीरे चलेंगे। गाइस फिलहाल मैं जिस गाड़ी को चला रहा हूँ उसके ऊपर एक और गाड़ी रखी हुई है,
और गाड़ी के ऊपर फिलहाल गाइस लोड भी आ रहा है। क्या हो रहा है? आवाज आ रही है भाई, डर लग रहा है मुझे। तो गाइस यहाँ पर दो मंजिला गाड़ी तो हमने बना दी है और बना करके चला भी दी है। ओ तरी, ये रहा टायर भाई गाड़ी का, इसके ऊपर इंजन है, मेरे ऊपर इंजन रखा हुआ है। लेकिन गाइस इतना रिस्क क्यों लेते हैं गाइस, ताकि आपको कुछ नया दिखा सके। अरे तार में टच तो नहीं हो जाएगी? ऊपर बिजली का तार है ऊपर भाई। और गाइस गाड़ी का जो बॉडी रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे होता ही गाड़ी ऐसे होती है, इधर होते ही गाड़ी इधर हो जाती है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे घुमा रहा हूँ गाड़ी को। जाल पिचक गया, ओ शिट, ये उखड़ गया भाई साहब यहाँ पे। लेकिन गाइस हमने जो गाड़ी है उसको एक राउंड घुमा लिया यहाँ पर। और एक चीज मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो रही है यहाँ पे कि जो गाड़ी है उसका बॉडी रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब कोने में घूमते हैं ना तो गाड़ी ऐसे उल्टी साइड होती है, ये जो गाड़ी है ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो रही है। और तब मैंने दिमाग लगाया कि वजन तो सारा ऊपर है, तो उसकी वजह से गाड़ी ऐसे और ऐसे हो रही है घुमाते टाइम, बिल्कुल सेफ वाली फीलिंग नहीं आ रही। भाई साहब फिर से बैठ रहे हैं। जाल तो यहाँ पर जो है वो टूट चुका है, पर शायद इससे कोई खास प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। दिक्कत यह कि गाड़ी एक साइड में झुकती ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा झुकती है गाड़ी। अरे भाई उछल कूद मत करो ज्यादा। क्या हो रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताना ना। अरे भाई चिल्ला मत, जान भटक रहा है इधर पे। अरे 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 टायर दब रहे होंगे पूरे, है ना। तो भाई साहब फिलहाल जो गाड़ी है वो हम दूसरे खेत में लेकर के आ चुके हैं। गाड़ी के टायर एकदम नीचे दब चुके हैं। भाई साहब गाड़ी चल रही है लेकिन इससे तेज गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि गाड़ी पलट भी सकती है और छत भी टूट सकती है। इसलिए गाड़ी मैं चला रहा हूँ इतनी ही स्पीड से कि यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। अब थोड़ा स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ताकि गाड़ी ऊपर चढ़ सके। क्या करें, और चढ़ गई भाई गाड़ी ऊपर, चढ़ गई और आवाज़ आ रही है ऊपर से बहुत भयंकर भयंकर। तो गाइस हम तो चला चुके हैं गाड़ी को, अब इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है इसको और चलाने की, क्योंकि गाइज ऑलरेडी काफ़ी रिस्क यहाँ पर जो है ले चुके हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सब कुछ ठीक है और किसी तरीके की गाइज कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और हमने जो है दो मंजिला गाड़ी बना करके आप लोगों के सामने यहाँ पर चला दिया। गाइज आप मेरे रिएक्शन से समझ सकते हो वो जोश नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है गाइस कि इसके अंदर यार फीलिंग जो है ना वो अच्छी वाली नहीं आती। जब हम चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी रखी हुई है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। अगर आया है मज़ा तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। ऐसी नई नई चीज़ें आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।